नाम नेविश तौफीक है और जब ये हादसा हुआ है इतवार वाले दिन हम लोग ओशन मॉल गए हैं, तो हमारे वहमों को मान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ कभी हो सकता है, मतलब किसी और की औलाद के हमारे तसव्वुर में नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। हम मतलब वहाँ से खुशी खुशी गए हैं, हमारा बच्चा जिद कर रहा था कि उसको वहाँ खेलना है, उसको सिर्फ बाउंस करनी है। हम लोग जब गए हैं ये एस्केलेटर में बच्चा चढ़ा है, हमसे कुछ कदम के फासले पे थे, ऐसा नहीं है कि हम थे ही नहीं वहाँ दुनिया में, हमारा बच्चा हमारे सामने था, वो हमारे सामने एस्केलेटर के एंड पे पहुँचा है, एक सेकंड के लिए बच्चा सिर्फ वहाँ रुका, उसने हमें मुड़ के देखा और बच्चा अंदर चला गया। हम लोग चीखे चिल्लाए हैं, मेरे हस्बैंड चीखे चिल्लाए हैं कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, पर इंतज़ामिया के लोग उन्हें इतनी देर तो यही समझने में लग गई कि हुआ क्या है वहाँ पर, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ पर क्या हुआ है। फिर जब हम दोनों मियाँ बीवी बच्चे को घसीट के बाहर निकालें कि बच्चा उसके अंदर ना चला जाए, उसका बच्चे का पूरा पैर का कीमा हमारे सामने कट कट के उसके अंदर जा रहा है, उनको एस्केलेटर बंद करनी नहीं आ रही, उसके बटन्स ख़राब थे, उनको ये समझने में भी इतनी देर लग गई। फिर हमने बच्चा घसीट के निकाला, उसका पैर पूरा जा चुका था, उसका गोश्त मेरे शौहर के हाथ में था, हम उसका गोश्त और कीमा वहाँ से उठा के जिस बच्चे को हम अजी कुछ ही वहाँ खेलने या तफरी के लिए लेकर गए, उस बच्चे को हम वहाँ से ICU में लेकर गए, उसका गोश्त और कीमा हमारे हाथ में था, हमारे अपने औलाद का, हमारे जिगर के टुकड़े का। हमारा बच्चा जाहिर सी बात है कराची में इंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट की जगहें हैं और भी हैं, ये लकी वन जाते हैं, डॉलमिन सिटी मॉल और भी जो फेमस जगहें हैं वहाँ पे जाते हैं, ये लोग सिंबाद जाते हैं डॉलमिन सिटी मॉल में, हर जगह जाते हैं, पर वहाँ क्योंकि वहाँ पे एस्केलेटर्स सही हैं, इनके एस्केलेटर्स ख़राब थे, उसके आगे से वो पूरा टूटा हुआ था, अगर ये 3 साल का छोटा मासूम बच्चा, इसकी जगह कोई छोटा बच्चा होता वो पूरा बच्चा अंदर चला जाता, क्योंकि वो टूटा हुआ था, वो काफ़ी टाइम से वो टूटा हुआ ही है वो वहाँ पर, ये हमें अब पता चला है हमारे रिश्तेदारों से कि वो टूटा हुआ ही चला रहे हैं वो लोग उसको। अगर जैसे हम इम्तियाज़ जाते हैं, हम डॉलमिन सिटी मॉल जाते हैं, तो वहाँ एस्केलेटर जब एंड हो रहा होता है, जैसे हम सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, अभी हादसा हुआ है, बच्चा कोने पे जाता, अगर वो बच्चा वहाँ पे 10 घंटे भी खड़ा रहता तो बच्चा अंदर मर के नहीं चले आता, नाउज़ुबिल्ला, बच्चा आगे गिर जाता, इम्तियाज़ में भी बच्चा आगे गिर जाता है, एस्केलेटर तो मूव होता रहता है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो टूटा हुआ है तो बच्चे अंदर निकल जाएगा उसके, आपका बच्चे के उम्मीद में वो समझा मैं वहाँ रुका हुआ अपने बाबा को पीछे मुड़ के बुला रहा हूँ तो मैं आगे गिर जाऊँगा, वो आगे बढ़ने के बजाय वो अंदर ही चला गया, वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो हमारे चीखने पर आए हैं, वो लोग हमारे बहुत बार चीखने पर, अगर वो जल्दी आ जाते या वो एस्केलेटर चलो वो टूटा हुआ था जो भी था, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं सिर्फ ये पूछती हूँ, आज मेरा बच्चा है ना, कल को दूसरों के बच्चे होंगे, जितने भी मॉल्स हैं, सिर्फ ये मॉल नहीं, इस मॉल को पहली बात है बंद होना चाहिए, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है, मेरा बच्चा वो इतने घंटे वो चीख चिल्ला के रोता रहा, उस पर पेन किलर्स काम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, वो कभी चलेगा ना, हमें कुछ नहीं पता, मेरा तो बच्चा सही था, मुझे मेरा सही बच्चा कौन ला के देगा, उसका पैर मुझे सही ला के दे सकता है कोई, मुझे आप सिर्फ ये बताएं, मुझे ओशन मॉल वाले मेरे बच्चे का सही पैर ला के दें, मैं तो वहाँ पर ये इतना बच्चे ने क्या पहना, ये जूता पहना हुआ था उसने, इसका खून लगा हुआ है और ये इसका सॉक्स था, उसके कीमे के साथ चला गया उसमें, हमारे पास हमारे बच्चे का गोश्त भी नहीं है, जो हम सही बच्चा लेके गए थे ना वहाँ तो वैसे आया है, डॉक्टर्स हमें कोई होप नहीं दिला सकते कितनी सर्जरीज होंगी, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि बच्चे का गोश्त, उसका अंगूठे, क्या क्या टूट गया है सब हमें नहीं पता, क्योंकि उसके पैर का तो कीमा बन गया है। डॉक्टर्स ने बोला है हमें जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि इसकी जान बचानी भी जरूरी है, इसको पेन किलर्स के साथ वो एनेस्थीसिया फुल देकर नहीं ऑपरेट कर सकते, मुझे मेरा बच्चा कौन ला के देगा, अभी उसको 15 या 10 सेकंड के लिए आराम आता है और फिर वो चीखता रहता है, वो बोलता है मेरा गोश्त कट के गिर रहा है, मेरा गोश्त बचा लो, मेरा पैर बचा लो, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है, वो बाकी जगह भी गया, ऐसा नहीं कि बच्चा गाँव से आया और पहली बार निकला है। देखे जैसे हमारा बच्चा परेशान था, हम हर जगह दुआएं करवा रहे हैं, ठीक है, या हम जो भी करा सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी जान चाहिए हमारे बच्चे की, उसका पैर के बारे में तो मैं सोचना नहीं चाहती अभी, क्योंकि मेरी आंखों से नहीं निकलता हो। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मॉल्स अगर खुले हैं, आप उसको बाहर के स्टैंडर्ड पे नहीं, तो आप कम से कम ह्यूमैनिटी फर्स्ट रख के आप ये देखें कि कम से कम वहाँ पे चीज़ें तो ख़राब नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की जान ही चली जाए, क्योंकि हमारे बच्चे का तो जो नुकसान होना था वो हो गया, वो हम जिस अजियत में और वो जो दर्द झेल रहा है मासूम, उसको तो पता भी नहीं है, हमें नहीं पता हमारा बच्चा कब चलेगा या नहीं चलेगा या जो भी होगा, इसके कितने ऑपरेशन होंगे और हमारा क्या हाल होगा, हमें कुछ भी नहीं पता अभी।
मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को बाहर भी लेके मत निकलो, आप सिर्फ घर में कैद रहो और उस घर में ही आप अपने बच्चों को अपने साथ दफन कर लो, ताकि आपका बच्चा ज़िंदा तो रहेगा ना। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे भी डालते हो, आप दुआ के लिए भी डालते हो, तो लोग ये बोलते हैं कि माँ बाप की गलती है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को फेंकने के लिए मॉल जाते हैं कि हमारा बच्चा खुदा ना खास्ता दुनिया से चला जाए? सबसे पहले इंसानियत है, चाहे वो किसी की भी औलाद है।